ये माइक थैंक यू थैंक यू। नमस्ते सच्चाकाल। आप थोड़ा हट जाए, वो पीछे देख नहीं पाएंगे। हाँ ये आप लोग भी थोड़ा पीछे हो जाए। सबसे पहले तो मैं आपको मिलाना चाहूँगा, हमारे डायरेक्टर हैं नितेश तिवारी जी, इस फिल्म के लेखक भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, और मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर हूँ, एक्टर हूँ, और मेरी पत्नी किरण जी भी प्रोड्यूसर हैं मेरे साथ। तो हमें बड़ी खुशी है कि हम यहाँ आए हैं पंजाब शूटिंग करने के लिए। इससे पहले भी एक मौका मुझे मिला था जब मैं आया था रंग दे बसंती की शूटिंग करने में। बड़ा ही अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा था यहाँ पर। तो वी वेरी हैप्पी टू गेट दिस चांस कि आपसे हम बातचीत करें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और जो भी आपके सवाल हों वी हैप्पी टू आंसर। हाँ जी हाँ जी, ये फिल्म रियल कहानी है। हरियाणा के पहलवान हैं महावीर जी, उनकी कहानी, उनके गीता बबीता उनकी बेटियां हैं, उनकी कहानी। कहाँ चलना है हम? अच्छा अच्छा नहीं, दरअसल जब मैं पहली दफ़ा आया था पंजाब रंग दे बसंती की शूटिंग के लिए, तो हमारा बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यहाँ के लोग बड़े मोहब्बती हैं, बड़े लविंग हैं, बड़े जेंटल हैं। तो जहाँ भी हम शूटिंग करते थे हमें लोगों का बड़ा कोऑपरेशन मिला, बड़ी हेल्प मिली। तो वो मुझे याद, उसको करीबन 10 साल हो गए उस बात को, और अब 10 साल बाद आया हूँ मैं दोबारा शूटिंग करने पंजाब में। आमिर जी आपने जो पंजाब में हाँ आपने पंजाब में लुधियाना किला रायपुर चुना किसी को? किला रायपुर एक्चुअली चुना तो नितेश जी ने, ये लोकेशन उन्होंने फाइनल किया है, तो मैं उनको दूंगा माइक। हम लोगों ने सिर्फ किला रायपुर नहीं चुना है, हम लोगों ने उसके आसपास के लुधियाना के आसपास के लगभग 4 या 5 गाँव चुने हैं। और जैसे कि आप जब स्क्रिप्ट लिखते हैं तो क्रिएटिव रिक्वायरमेंट होती है जो आपके दिमाग में होती है कि इस फिल्म को ऐसी ही लोकेशन पर शूट करना चाहिए। तो हम लोगों को 2 प्रायोरिटीज़ थी। एक तो ये था कि हम लोग रियल लोकेशन पर शूट करेंगे, सेकेंडली बहुत इम्पॉर्टेंट था कि जिस तरह का घर जो हमने स्टोरी में कंसीव किया था उसी तरह के घर में उसी तरह की सराउंडिंग्स में शूट किया जाए। तो उन सब का एक कॉम्बिनेशन हमें लुधियाना के आसपास के इन 4-5 विलेजेस में मिला। दैट्स प्योरली द रीजन व्हाई हम लोगों ने इस लोकेशन को चूज किया। माइक हाँ। और उसमें मैसेज था पीके के, इसमें क्या मैसेज था? आप यहां से इस फिल्म में जो मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है वो ये है कि हम अपने मानसिकता में फंसे रहते हैं कि हमें लड़का चाहिए, और अभी भी ये काफ़ी प्रेवलेंट है हमारे देश में कि बेटे की एक चाह जो है। ये फिल्म ये दर्शाती है कि अगर बेटियों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए तो वो भी बेटों के जितना बड़ा नाम करके दिखा सकते हैं। कितने दिन का शेड्यूल है कि आपने शूटिंग का? हम लोग का लगभग 2 से 2.5 है। पंजाब के अलावा भी कोई लोकेशन है? जी हाँ, पंजाब के अलावा हम लोग पुणे में भी शूट करेंगे और हम लोग दिल्ली में भी शूट करेंगे, प्लस कुछ छोटे-छोटे और लोकेशन हैं जहाँ पर क्रिसमस 2016। हाँ जी, दो तीन साथ में पूछना। नहीं, आई होप नहीं टूटेंगे। आपने कितना बजट बढ़ाया? आप कहाँ हैं? सामने स्ट्रीट है। अच्छा, वहाँ से। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। मेरा वजन तो जो नॉर्मली होता है वो 68, 70, 68 या 70 के आसपास होता है। जो पीके में आपने देखा होगा, धूम 3 में 68, 70 के आसपास। इस वक्त मैं 95 किलोज हूँ तकरीबन। 27, 28 किलो बढ़ा है मैंने। तो ये रिक्वायरमेंट थी? जी हाँ, ये फिल्म की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए मैंने अपना वज़न बढ़ाया। और इसी फिल्म के लिए मुझे घटाना भी है, क्योंकि जो फिल्म में जो मेरा किरदार है वो 25, 27 की उम्र का भी है, फिर वो 40, 45 का होता है, फिर 55 का होता है। तो जो 55 और 45, 55 का जो पोर्शन है वो हम पहले शूट करना है, इसके लिए मैंने वज़न बढ़ाया है। और फिर मैं वज़न घटाऊंगा, 5 महीने मुझे लगेंगे। आई होप मैं कर पाऊँ। हाँ, इसी फिल्म में। तो हम जब फिल्म की शूटिंग हमारी मुकम्मल हो जाएगी, उसके बाद हम 5 महीने का गैप लेंगे, और उन 5 महीनों में मेरा वर्कआउट होगा, डाइट होगा, जिसमें मैं फिर 68, 70 पर आऊँगा, जो धूम 3 में लुक थी मेरी। और फिर हम जो बाकी 15 दिन का काम है, जो फिल्म के शुरुआत में आएगा, वो हम शूट करेंगे। नहीं, ईजी तो नहीं, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। देखिए, वेट बढ़ाना तो बड़ा ईजी है, और अभी मैं पंजाब में आऊँगा तो और 2-4 किलो तो ऐसे ही बढ़ जाएंगे, लेकिन जब घटाने का टाइम आएगा तब दिक्कत होने वाली है। तब मुझे बड़ा स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, बड़ा ये साइंटिफिक चीज़ भी है, इसको अगर ठीक से फॉलो करें तो रिजल्ट मिलते हैं। डाइट, हेल्दी डाइट फॉलो करना और एक्सरसाइज करना, तो उससे कम करेंगे। मैं नहीं बना रहा। नॉवेल्स तो मैं बहुत पढ़ता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो कैसा अनुभव है, कैसा? नितेश जी के साथ अभी हम लोग जो फिल्म का काम जो शुरू हुआ है वो करीबन 8 महीने, 1 साल आई थिंक हम लोग इस पे ऑलरेडी प्रेपरेशन का काम हमारा चल रहा है। तो मुझे अच्छा मौका मिला नितेश जी के साथ काम करने का। और नितेश जी मुझे लगा कि बहुत ही सुलझे हुए डायरेक्टर हैं। एक तो कहानी बहुत कमाल की लिखी उन्होंने, बहुत ही कमाल की कहानी लिखी है। जैसे वो बता रहे थे, इसका जो मुद्दा है वो बहुत ही ड्रामेटिक, बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही अहम मुद्दा है, जो हमारे समाज में एक ये सोच है, तो उसमें परिवर्तन लाने की कोशिश है। लेकिन ये कोशिश जो है, ये एक बहुत ही एंटरटेनिंग वे में उन्होंने लिखी है। तो कहानी का जो रस है, जो दिल है, वो जज्बाती है, और जो उसका ऊपरा जो अपर लेयर है जिसको हम कहते हैं, उसमें ह्यूमर बहुत है। तो बहुत ही अच्छी कमाल की स्क्रिप्ट लिखी है उन्होंने। जैसे राजू हिरानी जी की फिल्म में आप देखते हैं, तो वो बहुत ही अहम चीज़ कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका तरीका होता है आपको हंसा कर। तो इसमें भी नितेश जी ने जो कहानी लिखी है, स्क्रिप्ट लिखी है, उसमें डायलॉग्स बड़े मज़ेदार हैं। हंसता है इंसान, जब भी मैं सुनता हूँ मैं खूब हंसता हूँ, रोता भी हूँ, हंसता भी हूँ। तो इट्स अ वेरी लवली स्क्रिप्ट। तो नितेश जी के साथ काम करके मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। रियल लाइफ में भी उनका बड़ा अच्छा ह्यूमर है। तो हम काम करते हैं, लेकिन हंसते खेलते काम चलता है हमारा। जी जी। एक तरफ सलमान जी नए हीरो लेकर आ रहे हैं, आप नए डायरेक्टर के साथ खुद ही हीरो हैं। एक्चुअली मैं नया और पुराना नहीं देखता हूँ। जब मुझे कहानी अच्छी लगती है और मुझे भरोसा होता है कि इंसान जो है काबिल डायरेक्टर है, फिर वो चाहे एक्सपीरियंस्ड हो, नया हो, हम सब कभी ना कभी शुरू करते हैं। हमारी शुरुआत हमारे अपने करियर में हर आदमी फर्स्ट टाइम भी काम करता है। तो अगर काबिलियत हो तो मुझे कोई हेजिटेशन नहीं होती कि मैं नए डायरेक्टरों के साथ काम करूँ। जी जी जी। क्या लगता है आपको, ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है? विवाद तो बढ़ रहा है। मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का, और जैसे कि बाकी लोग भी विनती कर रहे हैं, मैं भी विनती करता हूं सरकार को कि वो उनके साथ उनकी बातें समझें और उनके साथ बैठ के इसका हल निकालें। सक्सेस का फल क्या है? मेरे क्या सक्सेसफुल होने का फल? नहीं, मेरा सक्सेस का कोई फॉर्मूला नहीं है, मैं आपको बताऊँ। नहीं, मैं सच बता रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। जी जी। जी जी हाँ। मेरा फंडा मैं बताऊं आपको, मेरा फंडा है कि मैं वो काम करता हूं जिससे मुझे मज़ा आता है, जो कहानी मेरे दिल को छू लेती है मैं वो करता हूं। मैं फिर सोचता नहीं हूँ कि ये कामयाब होगी, कितनी कामयाब होगी, कितने पैसे कमाएगी, वो सब चीज़ें मैं नहीं सोचता हूँ, और मुझे काम में मज़ा आना चाहिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए फिल्म जो है वो 2 साल लगती है बनने में, और 2 साल के बाद आपको रिजल्ट मिलता है। 3 घंटे में ऑडियंस देख के बताती है रिजल्ट क्या है। तो वो मेरे लिए जो जर्नी है, जो सफ़र है 2 साल का, वो उतनी ही अहमियत रखता है जितना कि अल्टीमेट उसका जो आउटकम है। तो अगर मज़ा नहीं आएगा तो वो 2 साल फिर आपके बेकार हो गए। तो माई फिलॉसफी इज़ इन्जॉय द वर्क यू डू। आप मज़ा लें, जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपको मज़ा आना चाहिए। फिर कामयाबी अपने हाथ में तो वैसे भी नहीं है। इस मूवी में कैरेक्टर्स इसमें कई हैं। महावीर का कैरेक्टर है, गीता बबीता का पूरी फैमिली है उनकी, और भी किरदार हैं जी। मुझे बहुत उम्मीद है कि इस फिल्म के बाद, दंगल के बाद जो है कुश्ती को, वैसे ही कुश्ती काफ़ी पॉपुलर है देश भर में, लेकिन और एक उसको बूस्ट मिलेगा। और जब से मैंने कुश्ती सीखना शुरू किया तो मुझे 2-3 चीज़ें समझ में आई कुश्ती के बारे में। एक तो ये है कि हम अक्सर सोचते हैं कि पहलवान जो है वो हट्टे कट्टे होते हैं, लेकिन उनकी अकल कम होती है। आमतौर पे ये लोगों का सोच है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पहलवान वही होता है जिसका दिमाग जो है वो इतना तेज होता है। जब मैंने ट्रेनिंग शुरू की रेसलिंग की तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि रेस्लर बनने के लिए आप सबसे पहले, आपकी बॉडी कितनी भी बड़ी हो, आप रेस्लर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि रेसलर होना, पहलवान होना, वो सिर्फ वजन उठाना नहीं है, वो पूरा खेल दिमाग का है। कितना फास्ट आपका माइंड रिएक्ट करता है, कितना फुर्तीले हैं आप, आपकी एक्सप्लोजिव स्पीड कितनी है। तो एक चीते की तरह होता है पहलवान। तो पूरा मेरा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया एक्चुअली। जब मैंने ट्रेनिंग शुरू की तो मुझे ये सब चीज़ें रियलाइज हुई। दूसरी चीज़ जो मुझे पसंद आती है कुश्ती में वो ये कि जब आप किसी के साथ कुश्ती लड़ते हैं तो आप उसको चोट नहीं पहुंचाते। देखिए बॉक्सिंग में इसमें क्या फर्क है। बॉक्सिंग में सामने वाले को आप मुक्का मारते हैं और वो भी आपको मुक्के मारता है, तो एक दूसरे को मार रहे हैं। इसमें इट इज़ अ स्पोर्ट। सामने वाले को आप कोई चोट नहीं पहुंचाते, वो आपको चोट नहीं पहुंचाता है। यू आर टेस्टिंग योर स्किल्स अगेंस्ट ईच अदर, विच इज आई थिंक अ वेरी लवली थिंग। जी 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 जी। I will definitely try. Okay. Actually उस वक्त भी जब हम किले में शूट कर रहे थे, उस वक्त भी उसका जो किला, जो उसकी जो पोजीशन थी वो क्वाइट रन डाउन था। उस वक्त भी काफ़ी रनडाउन था तब भी। और ऐसे तो मतलब हिंदुस्तान में कई हिस्टोरिकल हमारी साइट्स हैं और हमें यकीनन उनकी देखभाल करना चाहिए। जो हमारी हिस्ट्री, हमारा कल्चर है, वो हमें प्रिजर्व करना चाहिए। हाँ जी, हमारे पास जो कृपा शंकर जी हैं, वो हमारे कोच, वो हमारे साथ ही चलते हैं। वो पिछले 6 महीने से बम्बई में हमारे साथ कोचिंग कर रहे हैं और वो हमारे साथ यहाँ भी आए हैं, तो ही इस कोचिंग। हाँ जी, विषय तो नितेश जी ने चुना। आपका क्वेश्चन क्या था? विषय कैसे चुना? जी जी, मेरा तो यही मानना है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं विषय नहीं चुनता हूँ, विषय खुद मुझे चुन लेते हैं। मेरी पिछली फिल्मों में भी ऐसे ही हुआ और इस फिल्म में भी कुछ ऐसे ही हुआ। एक मित्र हैं मेरे जो डिज्नी में काम करते थे, उनके पास ये 2 लाइन में उनके पास ये स्टोरी आई थी, तो उन्होंने जस्ट बाउंस ऑफ की थी कि ये आपको कैसी लगेगी। और उस समय सिर्फ ये कहानी इतनी पावरफुल है, जैसे आमिर सर ने बोला ये दो लाइन्स वर सफिशिएंट टू गेट यू एक्साइटेड. फिर उस पर हमने काम करना शुरू किया, फिर उसको डेवलप किया. इस तरह से, जैसा कि मैंने कहा, विषय मुझे खुद चुन लेता है, मैं विषयों को नहीं चुनता हूँ. तो क्या मैसेज मिलेगा पब्लिक को इस फिल्म के थ्रू? मैसेज तो देखिए, वो तो अभी बताया था, एक क्वेश्चन के आंसर में बताया था. एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो इस फिल्म में आपको एक पर्टिकुलर मैसेज नहीं मिलेगा. इस फिल्म में बहुत सारे खूबसूरत मैसेजेस, जैसा कि अभी मैम ने पूछा था कि क्या कुश्ती को बढ़ावा मिलेगा, ज़रूर मिलेगा. क्या एक आदमी डिफरेंस, समाज में डिफरेंस पैदा करने की ताकत रखता है? बिल्कुल रखता है. लड़कियों को लड़कों जितना मौका मिले तो क्या वो लड़कों जितना अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, उनसे बेहतर कर सकते हैं? देयर आर लॉट ऑफ मैसेजेस, यू नो, कि ये जो फिल्म है बेसिकली हरियाणा के पहलवान पर आधारित है, लड़कियों पर आधारित है. तो क्या आपने वहाँ के किसी गांव को चुनने की बजाय पंजाब के गांव को चुना? क्या खासियत नजर आई आपको वहाँ के? क्या वहाँ पर क्या ऐसे गाँव नहीं? इसका जवाब भी अभी थोड़ी देर पहले ही हमने दिया था कि ये क्रिएटिव कॉल है. एक फिल्म में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक ही लोकेशन नहीं होती है, एक फिल्म में बहुत सारी लोकेशंस होती हैं. और जैसा कि एज ए राइटर मैंने, बिकॉज इस फिल्म से मैं जुड़ा हूँ, तो राइटिंग भी की है. तो जब आप लिखते हैं फिल्म को तो एक इमेज आपके दिमाग में रहती है कि इस फिल्म को ऐसी ही जगह पर शूट करना चाहिए. और वो सारी जो इमेजिनेशन थी हमारी, वो यहाँ पर फुलफिल हुई. ऐसा नहीं है कि हरियाणा में वो फुलफिल नहीं होती, बट जो ज़्यादा आपके इमेजिनेशन के करीब था वो लुधियाना और उसके आसपास के गांवों में था. तो इसीलिए हम लोग बल्कि नितेश जी हरियाणा में भी करीबन 20-25 गांव घूमे, चेक किया. तो जो एक डायरेक्टर के जहन में विजन होता है वो कहीं पे भी मिल सकता है उनको. तो इत्तेफाक की बात है कि उनको ये गांव. हाँ जी, पंजाबी फिल्म मैंने नहीं की अभी तक, मतलब मन. हाँ मेरा मन तो है, मैं आंसर कर लूँ. मेरा मन तो है, या वन सेकेंड, मेरा मन तो ज़रूर है, लेकिन मुझे हाँ पंजाबी इतनी अच्छी आती नहीं. मैं समझ लेता हूँ, लेकिन जैसे मैंने रंग दे बसंती में जो किरदार था मेरा डीजे का, वो उसको पंजाबी टच दिया था हमने. लेकिन पंजाबी जो असल पंजाबी है वो मैं नहीं बोल पाता, लेकिन कोई अच्छी कहानी होगी जो मिलेगी तो मैं सीख लूंगा. फिर उसमें क्या है ना, लेट मी टेक द, यू नो व्हाट आई लाइक मोस्ट अबाउट पंजाब. एक्चुअली मेनी थिंग्स दैट आई लव अबाउट पंजाब. एक तो यहाँ के लोग बड़े मोहब्बती हैं, दिखने में आप लोग डराने लगते हैं, हट्टे कट्टे 6-6.5 फुट के, लेकिन दिल जो है पंजाब के वो बड़ा मोम का होता है, वो बड़ा इमोशनल होता है. ये मैंने एक्सपीरियंस किया जब मैं लास्ट टाइम आया था. तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैं रंग दे बसंती के लिए आया था. यहाँ बड़े मोहब्बती लोग हैं और बड़े जेंटल हैं, इतने प्यार से मिलते हैं. तो हम तो बहुत जगह शूटिंग करते हैं देश भर में, तो जो सबसे जो मुझे लोकेशन एक लगी जहाँ पर लोग बड़े ही वार्म अफेक्शनेट लोग हैं, वो मुझे पंजाब में मिले. एक पंजाब और एक हमने कच्छ में शूटिंग की थी लगान की, वहाँ पर भी लोग बड़े मोहब्बती हैं. एक तो ये मुझे पसंद है पंजाब के लोग जो हैं वो बहुत ही कमाल के हैं. दूसरा यहाँ का खाना बहुत कमाल का है, बहुत ही कमाल का खाना है यहाँ पे. तो कौन सी आपकी फेवरेट डिश? मेरी फेवरेट डिश देखिए अभी तो मैं वेजिटेरियन हो गया हूँ, आपको पता है मैं वेजिटेरियन हो गया हूँ. पहले मुझे ये चिकन मक्खनी बड़ी पसंद आती थी, लेकिन अब मैं वेज हो गया हूँ. और बल्कि मैं वेज जो होता है ना सुपर वेज, उसमें दूध भी नहीं लेता मैं, दूध के प्रोडक्ट्स. तो पनीर भी आउट है मेरे लिए. और रीज़न वो हेल्दी डाइट होता है. मुझे लगा कि ये मेरी वाइफ जो है उन्होंने मुझे समझाया कि वीगन, जिसको कहते हैं वीगन डाइट. तो किरण जी तो मेरे बैकबोन है एकदम, वो हमारे साथ प्रोड्यूस कर रही है. किरण जी और मैं साथ में प्रोड्यूस कर रहे हैं इस फिल्म को, तो दोनों काम हम बांट के करते हैं. हाँ सॉरी आई ट्राई या फॉर द लॉन्गेस्ट. हाँ दैट्स अ टफ वन यार. मैं एक्चुअली जब क्या होता है, जब मैं कोई भी फिल्म करता हूँ तो उस किरदार के मैं बहुत नज़दीक आ जाता हूँ, और फिर फिल्म के दौरान तो मैं उसी के साथ रहता हूँ. लेकिन बहुत सारे किरदार हैं जिनके मैं बहुत करीब हूँ, तो मैं कोई एक को चुन नहीं पाऊँगा. जैसे डीजे है रंग दे बसंती का, या भुवन है लगान का, या थ्री इडियट्स में रैंचो है, तारे जमीन पर में निकुम सर हैं. ये सारे किरदार जो हैं बड़े नज़दीक हैं मेरे लिए. मैं चुन नहीं पाऊंगा कौन सा मेरा फेवरेट है, बड़ा मुश्किल है. हाँ सर, see the image that people have of me, of Mr. Perfection, is actually totally wrong. But अब मैं क्या करूँ, लोग मुझे perfectionist बोलते हैं. Actually मैं perfectionist नहीं हूँ, मैं बड़ा passionate इंसान हूँ और मैं दिल से काम करता हूँ और एक जोश से मैं काम करता हूँ, एक मज़ा लेके मैं काम करता हूँ. वो मेरी ज़िंदगी हो जाती है उस वक्त. परफेक्शन जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, क्योंकि जैसे ऊपर वाले ने हमें बनाया है, हम सब में अलग अलग चीज़ें होती हैं. हमें कमज़ोरियाँ भी होती हैं, हमें ताकत भी होती है, अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं. तो कोई भी एक इंसान, सिर्फ ऊपर वाला जो है वो परफेक्ट है, हम तो परफेक्ट नहीं है. परफेक्ट जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, हम सिर्फ उसको बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं और उसका कोई अंत नहीं है. अमित जी मेरा एक सवाल है आपसे. हाँ जी, हाँ हाँ जी. अमित जी आपकी जितनी भी फिल्म्स आई हैं उनमें कुछ ना कुछ मैसेज होता है जनता के लिए, अवेयरनेस होती है. पीके में भी आपने लोगों को अवेयर करने की बहुत कोशिश की है. तो इसी तरह का अभी एक विवाद चल रहा है इंडिया में, लाते वहाँ पे मुंबई में आपके जो फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग हैं काफी कंडेम कर चुके हैं. आप क्या कहेंगे, क्या वो रॉन्ग नंबर है? एक्चुअली मैं उनके बारे में इतना जानता नहीं हूँ, सही बात मैं आपको बताऊँ तो बगैर जानकारी के बोलना सही नहीं होता. लेकिन इतना ज़रूर है, जैसे हमने हमारी फिल्म में बताया, पीके में बताया, कि ऊपर वाले के साथ जो है हमारा जो संबंध है, जो हमारा जुड़ाव है, जो हमारा जज्बाती तौर पे जुड़ाव है, उसमें किसी को बीच में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती. मैं जहाँ बैठा हूँ वहीं से मैं रब से बात कर सकता हूँ. और तो ये मेरी फीलिंग है. इसके साथ साथ ऐसे भी कई गुरु हैं जो हमें हेल्प भी करते हैं. ऐसा नहीं, पीके में हमने बताया है कि कुछ लोग हैं जो ढोंगी होते हैं, आपको आपकी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाते हैं. लेकिन हर गुरु ऐसा नहीं होता. बहुत सारे गुरु ऐसे भी हैं, सेंट्स हैं, लीडर्स हैं, जो आपको बड़ी ताकत देते हैं, आपको सही राह दिखाते हैं. ऐसे भी हैं. वो तो आप बताइए, आप ज़्यादा जानते होंगे. हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, पीके तो हमारी पहले बन चुकी किस हमारी फिल्म से. हाँ ज़रूर, जब भी हम शूटिंग करते हैं, मैं अपने प्रोडक्शन से हमेशा कहता हूँ कि हम जहाँ जा रहे हैं तो वहाँ हम लोकल्स को जितनी ज़्यादा हम रोज़गारी दे पाएँ उतना हमें करना चाहिए. तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोकल्स को यूज़ करते हैं हमारी शूटिंग से. शूटिंग हमारी शुरू हो रही है 22 तारीख को. और हाँ जी, यहीं पंजाब में 22 को शुरू हो रही है. और हमारे कोस्ट ज़्यादातर नए हैं. हमारी जो महावीर सिंह की 4 लड़कियां हैं, तो हमने नई लड़कियां ली हैं. और इसके अलावा साक्षी धनवर जी हैं जो मेरी मिसेस का रोल कर रही हैं, वाइफ का रोल कर रही हैं. जी एक्चुअली इसका जुड़ाव है, जो हमारी सोसाइटी है वो बड़ी पेट्रियार्कल सोसाइटी है, तो इसका जुड़ाव है उसके साथ. और फिल्म इंडस्ट्री में जो आपको आमदनी मिलती है, जो आपको पेमेंट मिलती है, मैं स्टार्स की बात कर रहा हूँ, वो सिर्फ इस तुलने पे होती है, इस बेसिस पे होती है कि आप कितने लोगों को फर्स्ट 3 दिन, ओपनिंग जिसको हम बोलते हैं, आप कितने लोगों को अंदर खींच सकते हैं. तो प्रोड्यूसर के लिए यह है कि जो भी इंसान लोगों को अंदर खींच सके वो उसको उस हिसाब से पैसे दे सकते हैं. ये एक प्रैक्टिकल बिजनेस की बात होती है. कल को अगर कोई लड़की सबसे बड़ी स्टार बन जाती है हिंदुस्तान की, तो जाहिर है उसको सबसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे. एक वक्त था, सलीम जावेद साहब लेखक थे, स्टार एक्टर नहीं थे, वो लेखक थे, लेकिन सबसे फिल्म में सबसे ज़्यादा पैसे उनको मिलते थे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा वो लोगों को अंदर खींचते थे. रिटन बाय सलीम जावेद आ गया तो लोग फिल्म देखने आते थे. तो प्रोडक्शन में यही एक तरीका लोग फॉलो करते हैं. आई डोंट थिंक प्रोड्यूसर के दिल में ऐसा कोई फ़र्क होता है कि मैं लड़की को कम दूं, लड़के को ज़्यादा दूं. वो जो ज़्यादा बड़ा स्टार है उसको ज़्यादा देते हैं. अब वो ज़्यादा बड़ा स्टार कल को लड़की हो सकती है. बजट हमारा बजट हमारा अभी भी बन रहा है. देखते हैं कहाँ तक जा. हम हमेशा ओवर बजट ही रहते हैं, क्योंकि मैं हमेशा क्या चीज अकाउंट. हाँ हाँ हाँ, क्या क्वेश्चन किया? हाँ अच्छा 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 हमारी फिल्में एक्चुअली मैं तो चार्ज नहीं करता हूँ, मतलब पिछले, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं सच कह रहा हूँ। नहीं, जब मैं फिल्म में काम करता हूँ, जब मैं प्रोड्यूसर नहीं भी हूँ, आप मेरे किसी प्रोड्यूसर से भी पूछ लीजिए, मैं एक रुपया चार्ज नहीं करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि जब आप फिल्म बनाओ, जब फिल्म कमाएगी तब आप मुझे दे देना। मुझे एक चीज कहनी है कि हम तो ये मानते हैं कि इट शुड बी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। दुनिया भर में वुमेन शुड अर्न द सेम फॉर द सेम जॉब। अभी क्रिएटिव फील्ड में ये हो जाता है कि भाई आप तोल नहीं सकते, किसी की क्रिएटिविटी पे आप प्राइस कैसे डाल सकते हैं। तो इसीलिए इस फील्ड में, फिल्म मेकिंग में, जैसे आमिर ने कहा, प्रोड्यूसर्स यूज द काइंड ऑफ मेजर ऑफ कितने लोगों को आप खींच सकते हैं थिएटर में। लेकिन हम, आई एम श्योर आमिर अग्रीज विद मी दैट वी बिलीव दैट इक्वल वर्क should get equal pay. I also believe that, yes. I'm glad you clarified that. और हम प्रोडक्शन में, हम किसी के, आप अगर आप वुमेन कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं या मेल कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं या वुमेन डीओपी हैं, हम कोई फर्क नहीं करते उसके बीच में। वो जो एक इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड रहता है पेमेंट का, वो करते हैं। अभी एक्ट्रेसेस और एक्टर्स की बात अलग है, लेकिन वी बिलीव इन इक्वल पे फॉर इक्वल। हाँ जी, हाँ 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 आप इसमें गाने जो हैं हमारे, उसमें कई गाने हैं जिसमें हरियाणवी टच है। सही कह रहे हैं आप। अरे बाप रे, let's talk about films, let's talk about films। हाँ जी, हाँ जी, पंजाब में ड्रग्स का मुद्दा बहुत बड़ा है। कहाँ से? हाँ जी, ये जरूर बहुत चिंता की बात है, बहुत ही चिंता की बात है। और मैं अक्सर सुनता हूँ, जैसे आप बता रहे हैं कि पंजाब में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है ड्रग्स का, नशे का, तो इससे यकीनन मुझे बड़ी फिक्र होती है कि जो हमारा यूथ है, पंजाब का जो यूथ है, वो इससे बहुत बुरी तरह अफेक्ट हो रहा है। और हमने हमारे शो, टेलीविज़न शो सत्य मुजैते में भी एक हमारा जो टॉपिक था अल्कोहलिज्म, उसमें भी हमने ये कवर किया था। अल्कोहलिज्म भी जो है यूथ में, पंजाब में बढ़ रहा है। बहुत सारे गांव हैं जहाँ पे बहुत सारे यूथ जो हैं वो, उनकी जानें भी चली गई हैं, हमने हमारे शो में दिखाया था। तो ये यकीनन एक बहुत ही संजीदा बात है, बहुत ही फिक्र देने वाली बात है। और आई होप कि इसका कुछ सोल्यूशन निकले। और जो हमारे जो यूथ हैं, एक फिल्म बन भी रही है इस टॉपिक पे, मैंने सुना, उड़ता पंजाब शायद उसका नाम है। और मैं हाथ जोड़ के पंजाब के यूथ से कहना चाहूँगा कि आप जो है लाइफ में पॉजिटिविटी की तरफ बढ़िए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़िए। और उस चीज़ को अपना नशा बनाइए जो सोसाइटी में पॉजिटिव चीज़ ला सकता है। आप अपना जोश, अपनी एनर्जी उसमें डालिए। हाँ जी, नहीं सुनाई। अवार्ड सेरेमनी में कब जाऊँगा? अवार्ड सेरेमनी में मुझे मत दीजिए प्लीज, मैं दूरी अच्छा हूँ। सॉरी, यू नो देर आर वेरियस अवार्ड सेरेमनीज, you know, no. Man, ultimately you want to say something? No. Ultimately I feel कि अगर मेरे मन में, देखिए, आर्टिस्ट जो होता है क्रिएटिव इंसान होता है और उसे अप्रिसिएशन चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरा काम लोग पसंद करें, उससे बड़ी चीज़ मेरे लिए कोई नहीं है। तो जाहिर है जब कोई मुझे इज्जत देता है मुझे अच्छा लगता है। लेकिन जब वो संस्था या वो प्लेटफॉर्म जो मुझे इज्जत दे रहा है या कह रहा है कि वो मुझे इज्जत दे रहा है, तो उसमें अगर मुझे यकीन ही नहीं है, मुझे बिलीफ नहीं है, तो फिर उसका मतलब नहीं होता। But I agree, we should have a body that recognizes excellence in cinema in the truest, sense. Because right now the kind of awards that there are, they don't really recognize excellence. So it would be great if we could have something like an Academy Award or an Academy that is made up of the filmmaking fraternity, artists, people who understand cinema, who can actually award excellence. हमें मेरा एक सवाल है आपसे, आप तीनों खान एक साथ कब नजर आएंगे? आपको अच्छी सी कहानी लिखी है। हाँ जी, शाहरुख खान और सलमान खान ने इस समय, सिर्फ इस समय। मैं अच्छा सिंगर, मुझे अभी वापस जाऊंगा तो मैं दोनों को कहूंगा भैया मेरे लिए जरा गाओ, मैं बताता हूँ। नहीं, दोनों अच्छे गाते हैं, अच्छा दोनों ही गाते हैं। सलमान भी हीरो में गाना गाया, नहीं अच्छा गाया उसने, मैंने सुना वो गाना बड़ा अच्छा गाया सलमान ने। और शाहरुख भी बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। और ये जो मुझे लगता है ये जो कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है, ये हो सकता है आप लोगों का एक्साइटमेंट है, लोगों का भी एक्साइटमेंट होता है, लेकिन फैक्ट ये है कि दोनों सलमान शाहरुख बहुत ही टैलेंटेड एक्टर्स हैं, ह्यूज स्टार्स हैं दोनों, और दोनों की अपनी अपनी खूबियां हैं। और मैं भी जब उनकी फिल्में देखता हूं तो मुझे भी बड़ा मजा आता है। या I would like to. That was more a coincidence. I think Kiran thought of the name that time. I don't think he thought it would make a film on Maulana Azad. No, but Maulana Azad is his great-grand uncle. I've always loved the name Azad. Before I met Amir, I wanted to call something Azad. I didn't know if I would have a child, but yeah. So he's actually related to Amir as well. So it was a coincidence. Yeah, it's a great name. Azad is a name, liberty, freedom, Azad. The reason I want to make a film on him is because he said a lot of things which even today are very, very relevant, and he was a beautiful thinker, very good orator. I think there are a lot of aspects of his life which we can learn from even today. Yeah. Photos click करना चाहता है, अच्छा तो उसको मैं पहले इनका जवाब देता हूँ। मैं भी आपके साथ फोटो खिंचाना चाहूंगा, लेकिन मैं बताऊँ होता क्या है। जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होगा, आप लोग सब टूट पड़ेंगे और फिर केओस होगा और फोटो कभी मिलेगी नहीं, वो कैमरा हिलता रहेगा। तो अगर आप मेरी बात सुने तो हो सकता है, एक तरीका है होने का, वो रो बाय रो आना पड़ेगा आपको, और हम यहीं बैठे रहेंगे। जो एक रो आएगी वो हमारे पीछे खड़ी हो जाएगी, और एक आदमी होगा जो फोटो लेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। हाँ हाँ जी, हाँ जी। हाँ अच्छा, आपको लगा मैं नहीं रहूंगा यहाँ पे, इतना कम भरोसा है आपको मुझ पे। हाँ जी, हाँ जी, जरूर जरूर। मैं हम लोग मैं आपसे ये प्रपोज करना चाहूँगा कि हम लोग अभी तो यहाँ हैं, 2-2.5 महीना 3 महीना है, तो हमारी शूटिंग एक दफ़ा कंप्लीट हो जाए तो जाने से पहले हम एक बार फिर आपसे बात करना चाहेंगे। उस वक्त आप हमें और सवाल पूछ सकते हैं, हमारे क्या तजुर्बे है यहाँ पे। तो आई वुड लव टू मीट ऑल ऑफ यू अगेन बिफोर वी लीव। हाँ जी, टेलीविजन शो पे इस वक्त तो मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त मैं दंगल पे ही, मैं एक वक्त पे एक ही चीज सोच पाता हूँ, तो इस वक्त मैं यही सोच रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, जी जी जी, अच्छा अच्छा, जी जी, अच्छा वेरी गुड। हाँ मैं बाद में मिलूंगा आपसे, मैं बाद में मिलूंगा। यस यस, जी 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 जी, वजन कम कर दिया मैंने। जी नो, आई एम सेल्फ मोटिवेटेड। सेल्फ मोटिवेटेड से मेरा मतलब यह है कि जो फिल्म है, फिल्म की कहानी से मुझे फिल्म, आई एम फिल्म मोटिवेटेड। हाँ करेक्ट, आई एम फिल्म मोटिवेटेड। तो जब फिल्म के लिए मुझे कोई चीज़ करनी होती है तो मैं फिर करता हूँ, चाहे उसमें कितनी भी मेहनत लगे, जब फिल्म की बात आती है तो मैं करता हूँ। और गजनी में आई हैव टू रियली बिल्ड अ बिग फिजिक, लूज ऑल द मसल फॉर 3 इडियट्स। अभी इसमें मैं कभी लाइफ में इतना मोटा नहीं हुआ हूँ। मैं जवाब तो दे दूँ। अरे हाँ हाँ अरे बाप। So this is the first time I've become so actually fat. I have a lot of fat on me right now. So the process of losing that will be a big challenge. Health पे कुछ will the health get affected? Will the health get affected? हाँ health पे affect होता है। इसका health पे यकीनन कुछ न कुछ affect होता होगा क्योंकि मैंने 6 महीने में करीबन 30 किलो बढ़ाया है और फिर 5 महीने में मैं घटाऊंगा तो हेल्थ पे तो असर होगा। और आप मैं 1 घंटा करता हूँ वर्कआउट इज 1 आवर। When I am losing weight, I also do cardio, so it becomes 2 hours. And you'll also be doing wrestling. हाँ जी। आज के डेट में जो इंडिया और पाकिस्तान का जो संबंध है वो ठीक नहीं चल रहा, उसके बारे में सब कुछ कहना चाहूँगा। दुख की बात है क्योंकि हम इंसान एक ही हैं। वहाँ की जो लोकल मीडिया है वो यहाँ पे जो कहते हैं जो इंडिया में इस्लाम को लोग मानते हैं वो वहाँ पे ठीक नहीं सुरक्षित नहीं, उसके बारे में क्या कहना चाहूँगा सर आप इंडिया में? एक्चुअली मुझे तो लगता है कि इंसान एक ही होते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब इंसान हैं और मैं कोई फ़र्क अपनी मन में कभी रखता नहीं हूँ। तो ये दुख की बात है कि जब हम नेबर्स हैं तो हम भाई भी बन के रह सकते हैं। और ज़्यादातर ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी होता है कि तो अक्सर जो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं, कुछ पॉलिटिशियंस वहाँ के कुछ यहाँ के, वो चाहते भी नहीं कि भाईचारा बढ़े, तो उसमें भी वो हमको फंसाए रहते हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है दोस्तों आपसे कि हम लोग यहाँ शूटिंग कर रहे हैं, 2-2.5 महीना हम शूटिंग कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैं जानता हूँ कि आप उत्सुक भी हैं, आप कीन भी हैं जानने के लिए फिल्म के बारे में। तो मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है नितेश जी, मेरी किरण जी की, कि आप हमें लोकेशन पे आके अगर आप शूट करना चाहें फोटोज़ वीडियो वगैरह, तो हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो प्रॉब्लम हमें क्या होती है कि हम सिंक साउंड करते हैं तो ज़रा सी भी साउंड आती है हम शूट नहीं कर पाते और बड़ी दिक्कत होती है। तो हाँ, हाथ जोड़ के हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं जब भी आपको मिलना हो आप मुझे बुलाइए, हम दोबारा मिलेंगे यहाँ पर। लेकिन लोकेशन जो है वो हमारा मंदिर होता है, वो हमारा ऑफिस होता है जहाँ हम क्रिएटिव काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें वो मतलब हेल्प करें कि हम अच्छा काम करें। या बट व्हेन वी आर वर्किंग इट बिकम्स वेरी डिस्टर्बिंग, दैट्स ऑल। या आई वांटेड टू स्पीक टू यू ऑल आल्सो, इतने में आया हूं तो आई वांटेड टू टॉक टू यू ऑल आल्सो एंड वील मीट अगेन। हम लोग जाने से Don't put out where you are shooting. हाँ, really help us. आप अपने रीडर्स को मत बताइए हम लोग कहाँ शूटिंग कर रहे हैं। We wanted to meet you all. हाँ, we don't ये प्रार्थना है आपसे। आप पहुँच जाए सेट पे तो आप प्लीज हमारे लोकेशंस को गुप्त रखिए। गुप्त रखें। बहुत मेहरबानी। We'll take the last question. Yeah, we'll take the last question. सर मैं ये पूछना चाहूँगी कि जब आप एक कैरेक्टर करते हो, मतलब 2 साल आप अपने एक कैरेक्टर पे लगाते हो, तो आपको उसके बाद उसे निकलने में कितना टाइम लगता है? इसका कोई एक्चुअल जवाब नहीं है और कितना मेरी वाइफ को पता होगा लगता है। ये किरण जी ने मुझे एक चीज़ 2-3 महीने पहले हम लोग बात कर रहे थे, तो अब मेरा लुक चेंज हो गया, मैं मोटा हो गया हूँ, मेरा फेस गोल हो गया है, तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली मैं भूल गई हूँ कि आपका रियल लुक क्या है, मैं भूल गई हूँ क्योंकि पिछले 12-15 साल से जब से मैं आपको जानती हूँ हर साल आपका कोई नया रूप होता है, तो आपका एक्चुअली आपका लुक क्या है वो मुझे पता नहीं क्योंकि हर साल में कुछ नए लुक में होता है। क्योंकि इनका जब बर्थडे हुआ इसी साल हम सोच रहे थे कि हम कुछ गिफ्ट के बैग बनाएं जिस पे आमिर के फोटोज डालें, और मैंने कहा कौन से फोटो डालें जिसपे वो पीके ना हो या कोई किरदार ना प्ले कर रहे हो, वो मुश्किल हो जाता है क्योंकि ही इज वेरी रेयरली जस्ट आमिर। तो कितना वक्त लगता है जी हर फिल्म के बाद? 2-3 महीने तो निकल ही जाते हैं उनके। इट्स काइंड ऑफ लाइक अ स्लो लेटिंग गो यूजुअली। तो ऐसा होता है कि जैसे फिल्म के बाद कि आपको ऐसा लगा कि नहीं अभी भी फिल्म की शूटिंग चल रही है और मैं उसी कैरेक्टर में हूं, घर पे भी आप वैसा ही कैरेक्टर? नहीं, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसा ना करूँ वरना घर पे पिटूंगा मैं। लेकिन मुझे याद है जब मैं गजनी कर रहा था ना, तो क्या है, मैं उस रोल में इतना खो गया था कि वो किरदार का जो ट्रॉमा है, जो पेन है, वो मेरी आंखों में आ गया था। तो जब मैं शूटिंग के बाहर भी जब मैं कहीं जाता था और लोग मुझे देखते थे तो वो मुझे देख के डर जाते थे। मैंने ये नोटिस किया, क्योंकि लोग आमतौर पे जब मैं कहीं जाऊँ तो लोग मेरी तरफ आते हैं, हाथ मिलाने, गले मिलने, मेरे नज़दीक आते हैं लोग। मैं जहाँ चलता था वो सब मुझसे दूर हट जाते थे, उनको लगता था ये कुछ पागल वागल है, मान नहीं रही। वो आंखों में लुक आ गया था मेरे उस दौरान। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं कंट्रोल भी नहीं कर पाता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वो अपने आप होती हैं, मैं सोचता भी नहीं उनके बारे में। अब हम फोटो सेशन करें। सर आपने अभी लुक की बात की है, तो इसमें आपने हेयर स्टाइल जो आपका अभी है तो ऐसे ही रहेगा इसमें? हाँ जी बिल्कुल। सर लास्ट बात ये है, अच्छे तरह और मुझे सो ना समझ, आप बैठे रहो, आप बैठे रहो, आप बैठे रहो, वरना क्या कंफ्यूजन होगा। आप बैठे रहो, प्लीज 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 बी सीटेड।